हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएससी स्टडी ST 165। आई एम डिस्कस करेंगे द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जो चैप्टर चल रहा है ना, उसका है ये पार्ट 8। हाँ भाई, बहुत लंबा खिंच गया ये चैप्टर, बिकॉज काफ़ी लेंदी चैप्टर था। ठीक है, आई होप ये आपका लास्ट पार्ट हो, इस वजह से फिर हम लोग ये चैप्टर को क्या है समाप्त कर देंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, समझते हैं जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, शल्ला कोचिंग क्लासेस के नेम से। वहाँ आपको लेक्चर का ये PDF मिल जाएगा। राइट, सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग, और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इससे पहले कि आप लेक्चर्स देख लेंगे, वो आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन में क्लिक करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक, और टॉपिक का नेम क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक, अगर आपको याद हो कुछ, तुमने डिस्कस किया था पार्ट 7 में किस तरीके से मार्टिन लूथर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था जिसका नेम क्या था, रिफॉर्मेशन, जो एक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था और इसने बहुत सारे चेंजेस को लेके आया था। राइट, अब डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से काम करता है और कैसे इसकी शुरुआत होती है। राइट, पहले जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सुनिए ध्यान से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रेफर करता है एक ऐसा पीरियड जहाँ पे बहुत रैपिड ग्रोथ हुई थी, सोशल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए थे, इकोनॉमिक चेंजेस आए थे बहुत अच्छे लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे बहुत अच्छे लेवल पर। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ की बात हो रही है, ब्रिटेन की बात हो रही है। देखो उस टाइम सारी जो कंट्रियाँ थी वो लगभग किसकी किसके अंडर में थी, ब्रिटेन के अंडर में थी। तो जो डेवलपमेंट हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, ब्रिटेन वाले एरिया में हो रहा था। राइट, जब हम लोग गुलाम थे उस समय ये लोग क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कर रहे थे, और इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आप पढ़ेंगे आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारी जो नेटिव इंडस्ट्रीज हैं उस पर पड़ा था, और यहीं से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, प्रोसेस शुरू हुई थी इंडिया में। राइट, तो ये जुड़ा हुआ टॉपिक है इंडिया से, लेकिन अभी हम देखेंगे इसको इन द टर्म्स ऑफ यूरोप। राइट, तो एक ऐसा चेंज, एक ऐसा फेज जहाँ पर रैपिडली चेंजेस आए थे, सोशल चेंजेस बहुत अच्छे लेवल पे हुए थे, इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ था, 18 सेंचुरी का आधा पार्ट, आधा टाइम निकल गया था, उसके बाद का टाइम था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्या है शुरुआत हुई थी। राइट, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कहाँ स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मोर प्रिसाइजली आप कहाँ बोलेंगे, ब्रिटेन में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, रैपिड चेंजेस आए थे सभी एस्पेक्ट में, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, इकोनॉमिक चेंजेस हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो, कोई सा भी चेंजेस हो, सभी में चेंजेस इसके अंदर आए थे। राइट, तो शुरुआत हुई थी कहाँ से, इंग्लैंड से, लेकिन आगे जाके क्या है अलग अलग एरिया में भी फैल गया, वेस्टर्न यूरोप तक गया, और फिर नॉर्थ अमेरिका को भी क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टच किया था। राइट, इसमें एक्चुअली में क्या हुए थे, बहुत सारे साइंटिफिक चेंजेस आए थे, क्योंकि यहाँ से क्या है ये लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को आप जानेंगे कि बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी वो इसी टाइम पे हुई थी, जैसे कि एरोप्लेन का बनना, फॉर्मेशन, या फिर बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट होना, सारे इसी टाइम पे आए थे। तो रैपिड साइंटिफिक चेंजेस हुए थे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, पॉपुलेशन भी इसी समय बहुत डेवलप हुई थी। देखो मान लो सोसाइटी है, यहाँ पे सब कुछ अगर अच्छा अच्छा चल रहा है, आपको हर आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो इसका एक रिजल्ट ये भी होता है कि पॉपुलेशन भी अच्छे एस्पेक्ट में क्या करती है, राइज करती है, क्योंकि पॉपुलेशन के पास सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो फिर क्या करती है लास्ट में, ग्रोथ करती है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो राइज इन पॉपुलेशन भी देखा गया, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में क्या है इनका ट्रेड इम्प्रूवमेंट हुआ, फैक्ट्रीज, मिल्क, वर्कशॉप, इन सब का क्या है एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा फेज था, उस फेज में जो अपना यूरोप था, जो डार्क एज कह रहे थे हम लोग, आपने डिस्कस किया देखा होगा पार्ट 6 में, जहाँ डार्क जो हम बता रहे थे रोमन कैथोलिक वाले चर्च की वजह से, अब वो लाइटर एज या फिर मॉडर्न एज के या फिर मॉडर्न फेज के फॉर्म में क्या है आगे बढ़ रहा था। तो इतनी क्लियर है कि नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली में क्या था। ठीक है, चलो अब जानते हैं आगे के टॉपिक की कॉजेस क्या थे, रीजंस क्या थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे हुआ ये, वो हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक में। पहला टॉपिक था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है, तो उसको हम लोगों ने जान लिया। राइट, अब देखते हैं हम लोग कॉजेस किस तरीके से हुए। चलो तो बहुत सारे कॉजेस दिए गए हैं आपकी किताब में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, उसे पहला जो कॉज आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन।
इसके बारे में हम जानते हैं और इस तरीके से बात करेंगे। देखो तो 18 सेंचुरी के लगभग की बात है, अब क्या है लोग बाग थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने लगे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे देश में जो सुविधाएं होती हैं या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड का डेवलपमेंट करना, ये देश पूरे ये लॉन्ग टाइम हेल्प देगा देश को डेवलपमेंट में, इसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज का फॉर्मेशन करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर कैनाल्स का, डैम्स का, इन सबको बनाना, ये क्या कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे अपनी कंट्री को, डेवलपमेंट में हेल्प करे, उसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो 18 सेंचुरी के टाइम का लगभग क्या की बात है, अब लोग क्या है किस पर ध्यान देने लगे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने लगे थे, और इसी के लिए क्या है ये कैनाल्स और को इम्प्रूव करने लगे थे, और साथ में रोड सिस्टम को भी क्या है डेवलप करने लगे थे। और जब रोड सिस्टम डेवलप हुआ तो कहाँ पे चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होगा, और ट्रांसपोर्टेशन पॉजिटिव रूप में क्या है इफेक्ट होने लगा जब रोड का अच्छे से डेवलपमेंट होने लगा। इतने समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो आगे देखो। इसके साथ साथ क्या है, रोड डेवलप हुए, कैनाल्स बनने लगे, साथ में क्या है इन्होंने रेलवेज को भी क्या है इन्वेंट कर लिया। अब जब रेलवेज एक फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, है कि नहीं, जो हम लोग जैसे कि मान लो एक बस से जा रहा है व्यक्ति और एक वही व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, तो बस से ज्यादा टाइम लगेगा या ट्रेन से ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस है बस से ज्यादा टाइम लगेगा, तो ट्रेन से वो कम टाइम में पहुंच पाएगा और अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज है उसको जल्दी कर पाएगा, मटेरियल को जल्दी पहुंचा पाएगा, तो इसने भी क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एज दिया, राइट। ये बात आ गई समझ में, और इसने स्पीड भी बढ़ा दी, ईज बढ़ा दी, और लोगों तक आसानी से क्या है गुड्स पहुंचने लगे, तो जो रेवोल्यूशन है वो और तेजी से होने लगा। ठीक, आगे देखते हैं इसके अलावा क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप IMP लगा लेंगे। ठीक, इस टाइम पे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, क्या थे, जेम्स वॉट, उन्होंने स्टीम इंजन को भी डिस्कवर कर दिया था इसी फेज में, 1782 की लगभग की बात है। तो स्टीम इंजन के डेवलपमेंट से बहुत सारी चीजें क्या है आसान हो गई, और इसने भी एक बहुत अच्छा एज दिया किसको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डेवलपमेंट में, राइट। चलो आगे देखते हैं, इसके साथ साथ फिर बहुत सारे लोग, देखो एक बार सीरीज शुरू हो जाती है ना तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं और उस रिवॉल्यूशन में क्या है कंट्रीब्यूशन देते जाते हैं। तो पहले डिस्कवरी किसने की, जेम्स वॉट ने की स्टीम इंजन की, फिर और साइंटिस्ट आते गए, जैसे कि फिर आए जॉर्ज स्टेनसन, इन्होंने क्या है पहला मॉडल बनाया, फर्स्ट, पहली बार सक्सेसफुल हुए, उन्होंने क्या बनाया ना लोकोमोटिव इंजन का क्या है पहला मॉडल बनाया। अब देखो ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में कि हु डिस्कवर्ड स्टीम इंजन, तो जेम्स वॉट, कब डिस्कवर किया, 1782 में किया, और फिर लोकोमोटिव इंजन की पहली बार डिजाइनिंग किसने की, तो आप याद रखेंगे जॉर्ज स्टेफेंसन ने क्या है पहली बार डिजाइनिंग की, राइट। तो यही सारे क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में मिलेंगे। इसके साथ साथ क्या है, इनको फादर ऑफ द रेलवेज भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, फिर क्या है धीरे धीरे फिर और प्रोसेस होने लगा, इंडस्ट्रीज और ज्यादा बढ़ने लगी, तो फिर क्या है जो रेलवे नेटवर्क है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है रोल प्ले करने लगा, और ये लोग क्या है धीरे धीरे रेलवे को और ज्यादा बढ़ाते गए, और इसीलिए और आसानी से रॉ मटेरियल पहुंचता गया जहां पे इसको पहुंचना था, और इसके साथ साथ गुड्स एंड प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन क्या है आसान हो गया हम लोग को, या फिर लोगों को बहुत जल्दी गुड्स मिलने लगे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पास बराबर लगातार पैसा आता गया, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते गए, फिर पैसा आता गया, फिर इन्वेस्ट करते गए, और इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बड़े लेवल पे क्या है ग्रो करने लगा, राइट। बात समझ में आ गई क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी कहानी किसकी थी, ट्रांसपोर्टेशन की, हमने क्या क्या देखा है इसमें, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैनाल्स ही बने यहाँ पर रोड्स भी बनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेलवेज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ, फिर वही आपके यूजेस दिए गए हैं, स्टीम इंजन का क्या यूज था और स्टीम बोट्स क्या थे, स्टीम शिप थे, ये सब क्या है बड़े लेवल पे आगे जाके ये भी ट्रांसपोर्टेशन में क्या है अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे, ठीक है ना। तो ये सारे यूजेस आपके किसके दिखा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ही दिखा रहे हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद क्या है नेक्स्ट जो कॉल आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो क्या है हमारा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वो था कोल एंड आयरन, पहला क्या था ट्रांसपोर्टेशन, तुमने देखे ड्यूरेबल रोड्स का बन जाना, रेलवेज का फॉर्म हो जाना, कैनाल्स बन जाना, स्टीम इंजन आ गया, लोकोमोटिव इंजन आ गया, और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, ये सब किसके आ गए, ट्रांसपोर्टेशन में आ गए।
अब दूसरा कॉज क्या था, कोल एंड आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था किसके लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये क्या थे, फ्यूल थे, क्या थे, फ्यूल थे, ये क्या थे, एनर्जी थे, ऊर्जा थे। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो गाड़ी चल पाएगी क्या? मान लो आपने 100 गाड़ियां बना ली, अब 100 गाड़ी में पेट्रोल तो डालो तो चलेगी, तो ये क्या थे, उस इंडस्ट्रीज को चलाने के क्या थे, फ्यूल थे। और इस जैसे कि स्टीम इंजन है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए था, आयरन एंड कोल चाहिए था, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी अमाउंट में, ठीक। तो ये बड़ी जो मात्रा है इसके लिए क्या है, जो आयरन था उसको मशीन्स के लिए भी चाहिए था, तो इसका मतलब कोल एंड आयरन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी अगर आपको इंडस्ट्रीज को फुल सक्सेसफुल बनाना है। तो अब ये कैसे आए, ये हमारे पास आ गए, ठीक है, कैसे आ गए, देखो, क्योंकि जो इंग्लैंड था ना वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी उसके पास कोल और आयरन की थी, ठीक, और कोल क्या सस्ता भी है थोड़ा सा, और इसीलिए हमने यूज किया इसको एज अ चीफ फ्यूल के रूप में। तो कोल और आयरन बहुत जरूरी थे इंडस्ट्रीज के लिए, और ये दोनों अवेलेबल कहाँ थे, इंग्लैंड में थे, ठीक। और इसके बाद क्या, जो इंग्लिश के पीपल थे ना या इंग्लैंड के पीपल थे, उन्होंने नई नई टेक्निक्स को अपनाया, किस तरीके से हम आयरन निकाल सकते हैं, किस तरीके से और सस्ते रूप में आगे निकाल सकते आयरन को निकाल पाएंगे, या कैसे उसकी यूटिलाइज कर पाएंगे, तो ये कोल और आयरन को क्या है, यूज करना आ गया इनको तरीके से, और इसने एक बहुत बड़ा एज दिया किसके लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ हमने दो रीजंस देखे, पहला रीजन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा रीजन क्या था, कोल और आयरन की अवेलेबिलिटी थी। जरूरी ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो होती है जरूरत, नीड, और एक होती है अवेलेबिलिटी, आपके पास क्या उस समय उपलब्ध है। तो इनको जरूरत थी कोल और आयरन की, और इनकी गुड लक थी कि इनके पास कोल और आयरन बहुत बड़ी मात्रा में था, राइट। तो इसका इन्होंने फायदा उठाया और यहां से ये लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या है, ग्रो कर गए, राइट, है ना बात, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ साथ वही लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी इन्होंने बहुत ग्रेटली हेल्प किया टू ग्रोथ ऑफ न्यूमरस इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके साथ साथ वही हमने बताया अभी, साइंटिफिक इन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या बनाया था उन्होंने, स्टीम इंजन, लोकोमोटिव इंजन, ये क्या है, डिस्कवरीज ही तो है। ऐसे और भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया किसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, चलो देख लेते हैं उसको भी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ना ये मशीन आपको, ये मशीन इन्होंने इन्वेंट की सबसे पहले, तो पहले लोग हाथ से बनाते थे, हाथ से धागे को लेके आते थे, फिर हाथ से ही क्या है उनको सिलते थे, और हाथ से ही फिर क्या कढ़ाई निकालते, तो कितना टाइम लगता था, मतलब आप लोग अगर आप लोग अभी तो इमेजिन ही कर पाएंगे, एक मतलब एक शॉल मान लो बना रहे हैं, वन शॉल, ठीक है, उस शॉल को बनाने में लगभग लगते थे इंसान मतलब व्यक्ति को 5 से 6 महीने केवल एक शॉल को बनाने में। अभी आप 100 शॉल बना लोगे केवल 2 से 3 घंटे में, ठीक, तो इतना ज्यादा स्पीडअप हो गई है इस प्रोसेस, ठीक। तो उसके लिए क्या क्या कौन वो है रिस्पॉन्सिबल है, यही साइंटिफिक इन्वेंशन या फिर मशीन्स, ठीक है ना। तो फिर क्या इन्वेंशन हुआ, स्पिनिंग और वीविंग मशीन्स का डेवलपमेंट हो गया, जैसे कि फ्लाइंग शटल, और ये क्या है, स्पिनिंग जेनी है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, स्पिनिंग जेनी है, यहाँ पे क्या है, ये धागा लगाते थे ओवर इस साइकिल को चलाते थे, फिर यहाँ से क्या है इस फॉर्म में क्या है, यहाँ पे इनको फैब्रिक निकलता मिलता था, ठीक है, इस तरीके से ये चरखा चरखा है ना, चरखा ही चलता था, और ये यहाँ से वीवन होती थी चीजों की, ठीक, इसे बोलते हैं स्पिनिंग जेनी, राइट। चलो आगे देखते हैं, तो साइंटिफिक इन्वेंशन को आप क्या है नकार नहीं सकते। इसके अलावा ऐसे जैसे वहां ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट, ऐसे यहाँ पे भी आए, 1769 में की बात है, रिचर्ड आर्कविस्ट आते हैं, इन्होंने इन्वेंट किया स्पिनिंग फ्रेम, जिसको वाटर फ्रेम बोला गया, जो पानी से चलता था, पहली बार जो पानी की हेल्प से कोई इन्वेंशन चल रहा है, और उसके थ्रू क्या है इंडस्ट्रीज में हम लोग एज अ उससे प्रोडक्ट को क्या है फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें रिचर्ड आर्कविस्ट का, राइट। चलो आगे देख लेते हैं, इसके साथ साथ फिर एली विटने आए, इन्होंने मशीन ऐसी मशीन डेवलप की जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन गिन, जो सेपरेट कर दी थी कॉटन फाइबर को सीड से। देखो शुरुआत का फेज है, आप कहोगे तो मैम बहुत आसान चीजें हैं ये तो, मतलब हम तो सब जानते ही हैं डेवलपमेंट, अरे भाई ये पहली बार बनी थी, है ना, अब तुम मतलब अभी तुम जानते हो कि वॉशिंग मशीन आ गई, है ना, तुम जानते हो एसी भी आ गई, तुम जानते हो भाई प्लेन भी आ गया, ट्रेन भी आ गई, अरे भाई ये पहली बार थोड़ी ना आया है ना, तो आ गया है, लेकिन जब पहली बार वॉशिंग मशीन आई होगी तब क्या
कितना बड़ा चेंज आया होगा। मतलब सोचो, एक डब्बा है और डिब्बा के अंदर कपड़े डालो, वो सूख जाते हैं और धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। ये परिवर्तन था, चेंज था ना, राइट? अभी तुमने, अब तो तुम लोग गो थ्रू हो गए। यहाँ पंखा चल रहा है, अब मान लो पंखा जो पहली बार डेवलप हुआ था, जो घूम रहा है और हवा दे रहा है, तो ऐसे ही क्या नई चेंजेस आए थे। यहाँ पे क्या है, पहली बार एक साइंटिस्ट आए थे, कौन, एली विट ने। इन्होंने पहली बार एक ऐसी मशीन बना दी, जो जैसे कि मान लो बहुत सारे कॉटन पड़े हैं, कॉटन पड़े हैं, इन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जो कॉटन को अलग कर दे रहा था और उसके बीज को अलग कर दे रहा था। तो हमने कहा, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। तो ऐसे ही क्या है, इसने, इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए और इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट किया किसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद क्या आ गई, सिलाई मशीन भी आ गई। अब तो अभी तक देखो, अभी तक सिलाई मशीन आई नहीं थी, अभी, और अभी प्रेजेंट की जो जनरेशन है वो तो सिलाई मशीन को खूब भूल चुकी है, राइट? सिलाई मशीन होती क्या है, उसको तो रेडीमेड कपड़े मिल जाते हैं। तो उस टाइम पर सिलाई मशीन पहली बार बनाई गई थी, और सिलाई मशीन के थ्रू क्या है, उन्होंने कपड़ों को सिलना बुनना शुरू किया था, राइट? तो इस शुरुआत की, फिर 1700 के टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो क्या क्या बनाया इन्होंने, स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग जेनी, और कॉटन गिन, और सुइंग मशीन, राइट? ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस के। आगे बढ़े चलो। तो फिर बस इसी के हिसाब से क्या है, ये लोग अपनी टेक्निक्स यूज करते थे, और क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या है, फॉर्म करते थे। तो ये सारे क्या हो गए, ये तो हो गए हमारे कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद एक और रीजन क्या है, कॉलोनीज। देखो पहले क्या है, हमने पढ़ा था अपने हरप्पन सिविलाइजेशन में कैसा नेचर था, अर्बन नेचर था, लोग थोड़ा शहरी टाइप का जीवन जीते थे और साथ में रहते थे। फिर कौन सा नेचर आ गया, फिर आ गया हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, लोग घुमंटू प्रजाति हो गए, लोग घर ही नहीं बनाते थे, अपने चरवाहों को ले गए और जहां पे उन्हें घास फूस मिली वहां बैठ के चरवाहों के साथ चढ़ते गए, और जब चरवाहों का खाना खत्म हो गया तब अपन भी उठ के वहां से चले गए। इसे बोलते हैं घुमंटू प्रजाति, राइट? आगे जाके क्या आया, लेटर वैदिक आया, धीरे धीरे झोपड़पट्टी बनाना शुरू कर दी। फिर आगे जाके क्या आया, गुप्ता आए जाए, फिर महल बनने लगे, ठीक है? फिर हम लोग किसमें आ गए, फिर हम लोग आ गए मध्यकाल में, फिर मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए हमारे ऊपर, राइट? मतलब पहले हम लोग ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते थे, हम लोग अलग अलग रहते थे, फिर हमने क्या है, धीरे धीरे क्या है, कॉलोनीज को फॉर्म किया, सोसाइटीज को बनाया, फिर महलों को बनाया, राइट, बिल्डिंग्स को बनाया। तो ऐसा ही यहाँ भी कुछ था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, कॉलोनीज का फॉर्म होने लगा। अब कॉलोनीज में कौन रहेंगे, इंसान ही रहेंगे, ऑब्वियस है, पीपल और पर्सन विल लिव इन द कॉलोनी। और कॉलोनी में रह रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस चाहिए, कम रिसोर्सेस चाहिए, ज्यादा चाहिए भाई रिसोर्सेस। मान लो तुम पहले, मान लो यहाँ तुम्हारा घर है, तुम सिर्फ अकेले इंसान रहते थे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ चिंटू भाई ये अकेले रह रहे हैं। उसके बाद चिंटू भाई अपने दोस्तों को भी लेके आ गए, अरे भाई चलो वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, इन मोटू भाई, ये गोलू भाई, ये सारे भाई आ गए इनके। अब बताओ इनके पास पहले, मान लो चिंटू भाई के पास पहले एक केक का पीस था, पूरा अकेला खा जाता था, अभी वो एक केक का पीस 10 लोगों के साथ शेयर करेगा कि नहीं करेगा? तो रिसोर्सेस की कमी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो और रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे, नहीं लाने पड़ेंगे? हाँ जी। तो यही एक रीजन बन गया इसके लिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, एक लोग के पास कम चीजें थी, अब उसको और ज्यादा चीजें चाहिए और कम दाम में चाहिए। तो यहाँ पे कौन आया, किसने रोल प्ले किया, इंडस्ट्रीज ने रोल प्ले किया, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या है, कम दाम में ज्यादा सामान देती थी, राइट? और यहीं से क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज्यादा एज मिला, राइट? चलो अब देख लेते हैं इसको, पढ़ ले रहे हैं फटाफट से। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेज ऑफ नेविगेशन ऑल्सो पेव द वे फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द ब्रिटिश सेलर्स डिस्कवर न्यू लैंड्स व्हिच वर वेरी अननोन अंटिल दैट टाइम। दे बिल्ट अ लार्ज कॉलोनियल एम्पायर इन अफ्रीका एंड एशिया, राइट? अब देखो ये जो हमने बात की थी, एग्जाम्पल लिया था, वो था अच्छी कॉलोनीज वाला। लेकिन जो ये थे ना अंग्रेज, ये तो बहुत गंदे लोग थे। हमने डिस्कवर किया है, हमने डिस्कस भी किया था, अंग्रेज लोगों ने क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या है, बहुत बिना किसी की मर्जी से कब्जा कर लिया किसी के लैंड पर, और अपनी वहां पे क्या बना ली, कॉलोनीज बना ली। इसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल। तो इन्होंने क्या है, अपने इंडिया में भी आए थे, एशिया वाले एरिया में, और इंडिया को क्या है, कैप्चर करके क्या बना ली, अपनी कॉलोनी बना ली। ऐसे अफ्रीका में गए, वहां पे क्या कैप्चर, क्या बना ली, कॉलोनी बना ली। तो पहले तो सिर्फ यूरोप था, अभी यूरोप इतना सा था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज में इनका सामान जा रहा था, अभी एशिया है, अभी अफ्रीका है, अब इनका सामान यहाँ भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा,
तो इनकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और तेजी से होगा। तो कॉलोनीज को लूटते जा रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करते जा रहे थे, राइट। वही सब लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये सारे क्या हो गए, रीजंस हो गए। कौन कौन से थे? कॉलोनीज बनाई थी भाई, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज थी, उसके बाद क्या बनाया था हम लोगों ने, कोल एंड आयरन, और उसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया उसके रीजंस कौन कौन से थे। हम पढ़ेंगे उससे कुछ असर भी हुआ कि नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट आया उसका। चलो अब इम्पैक्ट देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आपका, और इम्पैक्ट देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से इम्पैक्ट हुए इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन के। चलो देखो, इसका बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हुआ, चाहे आप बात करें क्लास स्ट्रक्चर के लेवल पर, चाहे अर्बनाइजेशन के लेवल पर, या फिर लाइफस्टाइल के लेवल पर। अब समझो खुद, सपोज करो ये है हमारे चिंटू भैया, ठीक। अभी इनके पास सिर्फ एक ही शर्ट है, क्योंकि अब हाथ से बनाते हैं शर्ट, मार्केट हमारे पास थी नहीं, इंडस्ट्रीज थी नहीं। अब एक ही शर्ट खरीदी इन्होंने, और वो शर्ट ही आई 5,000 रुपए की, ठीक। अब एक शर्ट 5,000 रुपए की आ रही है, तो इन्होंने कहा अरे यार बहुत महंगी आ रही है, हम दूसरी शर्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो एक ही शर्ट पहनते थे कौन, चिंटू भैया, ठीक। उसके बाद कौन आई, उसके बाद इंडस्ट्रीज आ गई। इंडस्ट्रीज थोड़ा ना हाथ से बना रही है, वो तो मशीन से बना रही है। उसने कहा चिंटू भैया इधर आना जरा, तो इंडस्ट्रीज इनके लोगों ने बुलाया, उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या दिक्कत है, हमारे पास तो एक ही शर्ट है, वो भी 5,000 ही खरीदी थी हमने, 5,000 रुपए की। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हम तो हमारे हमसे खरीदो, हम तो मशीन से बनाते हैं, हम तुमको एक शर्ट 500 रुपए की देंगे, ठीक। अब चिंटू भैया खुश हो गए, अरे एक शर्ट 500 रुपए की, हमने तो 5,000 की ली, आप 500 की दे रहे हो, चलो 10 शर्ट दे दो। तो इन्होंने क्या है, 5,000 में अब क्या खरीद ली, 10 शर्ट खरीद ली। अब चिंटू भैया के आ गए मौज, मौज कर दी, अब तुम रोज एक नई शर्ट पहनेंगे। तो क्या हुआ, इनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आया, इनकी लाइफ स्टाइल में बहुत बढ़िया अच्छी हो गई। अब रोज नई शर्ट पहन के बढ़िया बाल वाल एक से करके बाहर निकलते, और लोग कहते अरे आप तो बहुत शानदार लग रहे हो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या हुआ, लाइफ स्टाइल में बदलाव किया। इसके साथ साथ लोग थोड़े शहरी हो गए, पहले गांव वाले लोग थे, है ना। अरे ठीक है किसी काम चल जाएगा, क्या ही दिक्कत है, कहाँ ही जाना है। अब इंडस्ट्रीज आ गई, सस्ते में मिल रहा है सामान, तो लोग क्या है इकट्ठा करने लगे, अब शहर में जाके रहने लगे, सस्ता हो गया वहां पे रुक जाएंगे आराम से काम कर लेंगे। तो अर्बनाइजेशन ये क्या है, डेवलपमेंट होने लगा। इसके साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमिक लाइफ में क्या है, चेंजेस आने लगे, राइट। इसके साथ साथ ये बात सुनना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, IMP लगा लेना इस पर। सबसे दो इंपॉर्टेंट जो चेंज आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, वो ये थे राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था का क्या है, बदलाव आने लगा। राइज ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, सुनना ध्यान से। देखो कैपिटलिज्म एक ऐसी सिचुएशन है, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये व्यापारी है, क्या है ये व्यापारी है, इसने मार्केट लगा दी अपनी, मार्केट लगा दी, सामान बनाएगा, गुड्स बनाएगा, और गुड्स किसको परचेज करवाएगा, ये पर्सन या फिर सिटीजन्स लोग इससे परचेज करेंगे, ठीक। पहले क्या देगा, ये गुड्स सस्ते में देगा, क्या देगा, सस्ते में देगा, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को क्या है अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे बाकी जो मान लो और भी दुकानें हैं, और भी मार्केट हैं, वो इससे कंपटीशन करेंगी, ठीक है। अब ये जो व्यापारी है बहुत पैसे वाला है, इसने मशीन से बनाई है अपने सामान, तो ये गुड्स को क्या है सस्ते में दे रहा है, इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बाकी दुकानें हैं तो हाथ से बना रहे हैं, तो ये कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे क्या है पिछड़ते जाएंगे, और आगे जाके ये दुकानें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब कौन बचा अकेला इस मार्केट में, केवल ये वाला व्यापारी, व्यापारी नंबर वन, ठीक। अब ये जो व्यापारी नंबर वन है, ये देखेगा कि हम सिर्फ अकेले इस मार्केट में बचे हैं, और फिर जो सस्ता दे रहा था ना दाम, अभी क्या कर देगा, महंगा कर देगा अपना सामान, और महंगा कर देगा सामान, क्योंकि लोग तो अब इसके आदी हो चुके हैं सामान के, अब लोग महंगा भी खरीदेंगे, ठीक है। और धीरे 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 करके धीरे करके पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिज्म, क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म, राइट। तो ये वाली फीलिंग धीरे धीरे क्या है बढ़ने लगी, क्योंकि यूरोप की जो सामान आ रहा था, उसने धीरे धीरे बाकी जो मार्केट थे उसको क्या है खत्म कर दिया,
और फिर अपने ऊपर लोगों को क्या है डिपेंडेंट कर दिया, और यहीं से क्या है कैपिटलिज्म की क्या है फीलिंग आने लगी। ठीक है, सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, व्यापारी इंटरफेयर कम करते हैं। सोशलिज्म में समाज के लिए सरकार ज़्यादा काम करती है। ठीक, तो सरकार ने जब देखा कि ये व्यापारी तो पूरी मार्केट को ही कैप्चर कर ले रहा है, फिर वो कहेगा रुको भाई रुको, तुमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, बहुत, अब तुम रुक जाओ जरा, हमारे लोगों को और शोषण मत करो, हमें थोड़ा बीच में आने दो। तो फिर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करेगी और फिर कुछ लगाएगी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसको बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या है आने लगे, ऐसे कॉन्सेप्ट अब आगे पिक्चर में आएंगे। राइट, तो ये सारे क्या हुए इम्पैक्ट थे किसके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आज भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट, और इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 9 में। ये हमारा पार्ट 8 था और उसमें हम देखेंगे इंपीरियलिज्म, और यही अपना होगा फाइनल टॉपिक। सो एक पार्ट बनाना पड़ेगा, इसमें इतना ही, इतना देखिए, नोट्स बनाइए, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।